हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 21 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का कि अभी हाल ही में डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले पहले ऐसे क्रिकेटर कौन बन गए हैं जो कि एक भारतीय हैं। ते जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है साकिबुल गानी। क्या नाम है? साकिबुल गनी। और ये पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के अंदर, जो कि अभी हाल ही में 2022 की रणजी ट्रॉफी हुई है, उसके अंदर इन्होंने शतक लगाया है। और सिर्फ इन्होंने सेंचुरी ही नहीं लगाई है, टोटल जो इन्होंने इंडिविजुअल स्कोर किया है वो 341 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये जो मैच खेला गया इनके द्वारा, जिसमें इन्होंने इंडिविजुअल स्कोर किया हुआ है, ये बिहार वर्सेस मिजोरम हुआ था मैच रणजी ट्रॉफी के अंदर। और इस बार की रणजी ट्रॉफी कहां पर खेली गई है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उसका वेन्यू था कोलकाता। कोलकाता में इसको खेला गया। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है सुरजीत सेन गुप्ता। अभी हाल ही में सुरजीत सेन गुप्ता जी का निधन हो गया। ये कौन थे बेसिकली? तो आप यहां से पिक्चर्स प्रोफाइल से देख भी सकते हो, ये भारत के लिए फुटबॉल खेलते थे। तो ये बेसिकली बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में कोविड की वजह से इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। 1970 में जब एशियन गेम्स हुए थे तब ये भारत की तरफ से फुटबॉल खेले थे, और उस टाइम पर भारत ने ब्रोंज मेडल जीता था 1970 के एशियन गेम्स में फुटबॉल में। और ये जो 1970 के एशियन गेम्स हुए थे उस टाइम पर ये थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, 1970 के एशियन गेम्स के हीरो सुरजीत सेन गुप्ता का 71 वर्ष की उम्र में कोविड की वजह से निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जो कि 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी को होस्ट करने जा रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की मेजबानी करेगा 2023 में मुंबई। अब देखिए, यहां पर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि 2023 के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी को होस्ट कौन सा देश कर रहा है? तो जाहिर सी बात है भारत इसको होस्ट कर रहा है। और अगर बात करी जाए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी स्थापना 1894 में करी गई थी। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? यह है लाउसेन। लाउसेन कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बाय द वे आपको बता दूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में इस टाइम पे 101 वोटिंग मेंबर्स हैं और 45 ऑनररी मेंबर्स हैं। तो ये चीज आपको फिलहाल ध्यान रखना है। और आईओसी की ये जो मीटिंग होती है, ये जो समिति होती है, ये एनुअल होती है, हर साल ये होती है मीटिंग किसी ना किसी कंट्री में। तो इस बार 2023 की, मतलब 2022 चल रहा है, अगले साल की जो 2023 की होगी उसको भारत होस्ट करेगा। और भारत में भी कहां पर? मुंबई में ये होगी। और ध्यान रखिए, आईओसी के हेडक्वार्टर कई बार एसएससी पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा लाउसेन है इसका हेडक्वार्टर, और स्थापना 1894 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इन्विसिटी इंडिया फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी लॉन्च्ड। अभी हाल ही में तीसरे स्तर की मोबाइल प्रयोगशाला जो कि जैव सुरक्षा स्तर के लिए है पूरे भारत में, पहली बार इसको कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के नासिक में। अब यहां पर इसको समझिए, ये जो लेवल 3 की लेबोरेटरी लॉन्च करी गई है बायो सेफ्टी की, इसका काम क्या होगा? इस लैब में ऐसा क्या किया जाएगा? तो इसमें नए नए तरीके के जो वायरल आजकल आप देखने को मिल रहे हैं ना, आपको आप देख रहे हो कहीं ना कहीं हर थोड़ी दूरी पर नए तरीके का वायरल जन्म ले रहा है, नए तरीके के वायरसेस जन्म ले रहे हैं। तो ये जो नए नए वायरल्स लोगों को हो रहे हैं, और साथ में ऐसे वायरल्स जो कि रीअकर हो जाते हैं, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि किसी को फीवर आ गया, एक हफ्ते तक फीवर रहा, फिर उसने मेडिसिन लेना शुरू किया तो ठीक हो गया, एंटीबायोटिक का जब तक असर रहा तब तक वो ठीक रहा, और उसके बाद फिर से वायरल चालू हो गया। तो इस तरीके के जो वायरल रीअकर होते हैं और नए नए वायरल्स, उन सभी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भारत में पहली बार बायोसेफ्टी मोबाइल लेबोरेटरी लॉन्च करी गई है लेवल 3 की। लेवल 3 का मतलब यहां पर यह है कि ऐसे वायरल जो कि काफी घातक होते हैं, जिनसे कि किसी की जान भी जा सकती है, उस तरीके के वायरल्स को यहां पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द फर्स्ट आईआईटी विल बी सेटअप बाई इंडिया। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारत किसी दूसरे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करेगा। जी हाँ, ये वही आईआईटी है जो कि भारत की आन बान और शान है। तो आईआईटी की स्थापना पहली बार भारत किसी दूसरे देश में करने जा रहा है, ये कौन सा देश है? तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात।
आपको याद होगा करीब 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये उसी का हिस्सा है कि यूएई के अंदर भारत अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करने जा रहा है। एंड यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, एंड श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट सॉइल हेल्थ कार्ड डे हैज बीन ऑब्जर्व। अभी हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कौन से दिन मनाया गया? मृदा को हिंदी में, आम भाषा में आप मिट्टी बोलते हो, तो बेसिकली मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड डे मनाया जाता है हर साल। कौन से दिन ये मनाया जाता है? 19 फरवरी को। आपको मैं बता दूं, 19 फरवरी 2015 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया था। कहां से? इसको सूरतगढ़ से लॉन्च किया गया था। और सूरतगढ़ कहां पड़ता है? यह पड़ता है राजस्थान में। तो 19 फरवरी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। आज 2022 चल रहा है तो इसका 7वां संस्करण मनाया जा रहा है। यह बेसिकली किसानों को दिया जाने वाला सॉइल हेल्थ कार्ड है। ये जिस भी किसान के पास कार्ड होता है, हर किसान को एक कार्ड बनवाना चाहिए। जिसके पास ये कार्ड होता है उसको मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, मतलब बंजर मिट्टी को आप कैसे उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट कर पाओगे, उसके लिए आप जो भी मार्केट से इक्विपमेंट खरीदते हो उसमें आपको सब्सिडी मिलती है, मतलब छूट मिलती है। ओके, तो सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को अभी हाल ही में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कौन सा दिन मनाया गया, जिसको हिंदी में विश्व सामाजिक न्याय दिवस बोला जाता है। बेसिकली पूरे दुनिया में यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना होने पाए। हर कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी निर्दोष के साथ कोई भी अन्याय ना होने पाए और किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। तो इस तरीके से वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हर साल मनाया जाता है 20 फरवरी को। कल के दिन इसको मनाया गया। और आपसे ये भी पूछ सकता है, इस बार 2022 में इसकी थीम क्या रही? इस बार इसकी थीम थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और इनका नाम है चेतन घाते। क्या नाम है? चेतन घाते। ये बने हैं न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने अजीत मिश्रा को सक्सीड किया है। एंड बाय द वे, आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की स्थापना 1952 में करी गई थी और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे तरुण दास। क्या नाम है? तरुण दास। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जिसको इन शॉर्ट आप बोल सकते हो एनएमएससी। तो भारत के पहले एनएमएससी के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं जी अशोक कुमार। और ये इंडियन नेवी से रिटायर हो चुके हैं। जब ये रिटायर हुए थे तो ये वाइस एडमिरल की पोस्ट से रिटायर हुए थे। अब क्या हुआ है कि पहली बार भारत में एनएमएससी की पोस्ट बनाई गई है और उसमें अपॉइंट किए गए हैं जी अशोक कुमार, या फिर आप बोल सकते हो रिटायर्ड ऑफिसर वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। आपको पता है ये डायरेक्टली काम करेंगे किसके साथ? ये अजीत डोवाल साहब के साथ डायरेक्टली काम करेंगे। और इनका काम क्या होगा? अजीत डोवाल क्योंकि एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तो अजीत डोवाल की मदद से और अपनी राय के साथ साथ इंडियन नेवी की क्या आगे चल के टैक्टिक्स होंगी और इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे काम किया जाएगा आने वाले टाइम में, तो उसके लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इंडियन नेवी की कोर प्लानिंग जी अशोक कुमार जी के ही हाथों में होगी अब से। और इंडियन नेवल चीफ अभी कुछ टाइम पहले कौन बनाए गए थे? आर हरी कुमार बनाए गए थे। ये चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग, इंडियन नेवल चीफ बदल चुके हैं और इन्होंने सक्सीड किया था करमवीर सिंह को। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये इंडिगो एयरलाइंस जो है, इसके को फाउंडर ये कौन है जिन्होंने इंडिगो के बोर्ड ऑफ मेंबर से रिजाइन कर दिया है? तो इंडिगो के को फाउंडर ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है क्या? ये है, इन्होंने अभी हाल ही में इंडिगो के बोर्ड ऑफ मेंबर्स से रिजाइन कर दिया है। बाय द वे, आपको बता दूं, इंडिगो के अंदर इनके जो स्टेक हैं ये 36.6% स्टेक्स इनके पास हैं। और इंडिगो के दूसरे भी को फाउंडर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, जिनका नाम है राहुल भाटिया। क्या नाम है? राहुल भाटिया। राहुल भाटिया के पास इंडिगो के 37.8% स्टेक है। तो ये आप देख लीजिए, तो इंडिगो के को फाउंडर
राकेश गंगवाल अब इंडिगो के लिए काम नहीं करेंगे, और इंडिगो की स्थापना साल 2005 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया हेल्ड नाइन्थ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन। कहने का मतलब यह है कि भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ नवा विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। तो भारत ने इसको आयोजित किया है एशियन कंट्री अर्मेनिया के साथ। अब इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो सीधा सा यह है कि भारत और अर्मेनिया के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई, और इसमें कैसे पॉलिटिकल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ा जाए, और दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक एरिया से किस तरीके से, या फिर आप बोल सकते हो अर्थ के एरिया में, मतलब पैसे के एरिया में, मनी मार्केट में, दोनों देश कैसे आगे बढ़ के आए और ट्रेडिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इस वजह से नाइन्थ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन अर्मेनिया के साथ अभी हाल ही में भारत सरकार ने आयोजित किया है। और अर्मेनिया की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं यरवन। क्या बोलते हैं? यरवन। और अर्मेनिया में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं निकोल पाशिन्यान। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, निकोल पाशिन्यान। और आपको पता ही है भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल हैं, एक तो है कैपटाउन, दूसरी है प्रिटोरिया और तीसरी है ब्लूमफोंटेन। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान, यूए की कैपिटल है अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की 352वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। तो ये जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, कौन से दिन मनाई गई है? तो आपको ये पता होना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था। 19 फरवरी को इनका जन्म हुआ था, और ये ईयर कौन सा था? 1630। आपको ये भी बता दूं इनका जन्म कहां पर हुआ था, शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? शिवनेरी किले में। और इनका देहांत कब हुआ था? तो 1680 में इनका देहांत हुआ था। कौन से किले में? रायगढ़ के किले में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की 352वीं बर्थ एनिवर्सरी अभी हाल ही में 19 फरवरी को, परसों के दिन मनाई गई। हाउ मेनी कंट्रीज विल गेट एमआरएनए टेक्नोलॉजी बाई WHO टू सेटअप देयर ओन वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर्स। कहने का मतलब यह है कि कितने ऐसे देश हैं जिनको WHO के द्वारा एमआरएनए टेक्नोलॉजी को सेटअप करने के लिए नए सेंटर्स खोलने की अभी हाल ही में परमिशन दी गई है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में टोटल 6 देशों को परमिशन दी है कि वो एमआरएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने ही देश के अंदर वैक्सीन प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब नए वैक्सीन का उत्पादन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 6 के 6 कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ये कंट्री कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें पहला कंट्री है केनिया, दूसरा कंट्री है इसमें नाइजीरिया, तीसरा कंट्री है साउथ अफ्रीका, चौथा कंट्री है इसमें सेनेगल, पांचवा कंट्री है तुनिशिया और छठवां कंट्री है इजिप्ट। तो ये वो 6 कंट्री हैं जिनको WHO के द्वारा अभी हाल ही में परमिशन दे दी गई है कि ये एमआरएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद वैक्सीन बना सकते हैं। ऐसा किस लिए किया गया है? अगर आप पहले से करंट अफेयर देख रहे हो तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अभी जो कोविड की दूसरी लहर आई थी उसमें WHO ने इस चीज को खुले तौर पर क्रिटिसाइज किया था कि पूरे वर्ल्ड में जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों को वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज थे जिनको वैक्सीन नहीं मिल रहे थे और जो वैक्सीन की मार झेल रहे थे। इस वजह से WHO ने ये देखते हुए स्पेशल परमिशन दी है इन 6 देशों को जो कि अफ्रीकन रीजन के अंदर खुद से वैक्सीन का उत्पादन कर सकेंगे। बाय द वे एमआरएनए में एम का मतलब होता है मैसेंजर, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, इन सेल्स को इस तरीके से बूस्ट किया जाता है कि वो खुद ही प्रोटीन जनरेट करते हैं, और इसी प्रोटीन की मदद से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट होती रहती है। बात आ रही है समझ? तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। WHO की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, और WHO के इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनैन। कौन है? टेड्रोस एडनैन। और ध्यान रखिए अनअकैडमी पर GSGK का फुल बैच मेरा चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में वहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसके बाद पॉलिटी भी स्टार्ट कर दूंगा अगले 4 से 5 दिन में। Varun777 डिस्काउंट कोड है, इसकी मदद से आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। साथ में करंट अफेयर का न्यू बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है अगले 2 दिन में। ये सारी चीजें ओनली 1 सब्सक्रिप्शन में आप प्राप्त कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर गोपाल कृष्ण गोखले हैज बीन ऑब्जर्व। अभी हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इनकी अभी हाल ही में जो पुण्यतिथि मनाई गई है ये 19 फरवरी को मनाई गई है। और ये कौन सी पुण्यतिथि है तो आपको बता दूं, 107वीं पुण्यतिथि इस बार मनाई गई है गोपाल कृष्ण गोखले की। जब मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूं मॉडर्न हिस्ट्री, वहां पर आपको बताता हूं गोपाल कृष्ण गोखले जो मॉडरेट ग्रुप था, जो कांग्रेस के जब दो हिस्से हुए थे 1907 में सूरत अधिवेशन में, तो उसमें कांग्रेस के दो हिस्से हुए थे, एक बना था नरम दल जिसको बोलते हैं मॉडरेट ग्रुप, और एक बना था गरम दल जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। तो ये जो नरम दल था ना, नरम दल के सबसे बड़े लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को हमेशा अपना पॉलिटिकल लीडर भी माना हुआ है। इवन इन्होंने सोशल रिफॉर्मर के तौर पर भी कार्य किया हुआ है भारत में काफी। तो 19 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि अभी हाल ही में मनाई गई। और आज मैं आपको लाइक का टारगेट दे रहा हूं 3000। 3000 लाइक मुझे कम से कम इस वीडियो पर चाहिए, तो ये लाइक पूरा करने में मेरी मदद करिए और सुल्तान को मोहब्बत बख्शिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 100 किसान ड्रोन्स जो कि स्प्रे करेंगे और भी फार्म मटेरियल्स के साथ किसानों के खेतों में, इसको लॉन्च किया गया है, इसको हरी झंडी दिखाई गई है किसके द्वारा, या फिर आम भाषा में आप बोल सकते हो कीटनाशकों और अन्य कृषि सामग्री के छिड़काव के लिए 100 किसान ड्रोनों को हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी इसको हरी झंडी दिखाई गई है। देश भर में 100 हिस्सों में एक साथ 100 ड्रोन छोड़े गए हैं और किसानों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया है कि आने वाले टाइम में अगर वो ड्रोन का यूज करते हैं तो ये काफी बेहतर होगा उनके लिए, आगे आने वाले टाइम में ये उनका पैसा भी बचाएगा और टाइम भी बचाएगा। इन ड्रोन की मदद से आप कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हो अपने खेतों में, जिससे कि आपका पूरा पूरा टाइम बचेगा। दूसरी चीज, इससे कॉस्ट भी आपकी बचेगी। ओके, तो किसानों को सशक्त करने के लिए यह अभी हाल ही में स्टेप लिया गया। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी।